दुकानदारों को सता रहा है डर कहीं बंद ना हो जाए मार्केट, जिसके लिए दुकानदार हर सावधानी बरत रहे हैं। तस्वीरें हम आपको सूर्यनगर की मार्केट की दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से सभी लोग जो हैं मास्क पहनकर आ रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग अपनाकर आ रहे हैं। आपको बताते हैं पिछले कई दिनों दिल्ली की कई बड़ी बड़ी मार्केट बंद हुई, जिसकी वजह से अब सभी मार्केट एसोसिएशन को वही डर सता रहा है, जिसके लिए अब उन्होंने सावधानी रखनी लगातार शुरू कर दी है। फिर दोबारा से जो गोले खत्म हो गए थे वो गोले फिर दोबारा सोशल डिस्टेंसिंग के गोले दुकानदारों द्वारा बनाए गए हैं, और अब लगातार दुकानदार भी जो कस्टमर उनके दुकान पर आ रहे हैं उनको समझा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम समझा रहे हैं और उनको मास्क लगवा रहे हैं, और साथ ही साथ उन लोगों के हाथ भी सैनिटाइज करवा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही अपनी दुकानों में बुला रहे हैं। आप देखते हैं किस तरीके से सब दुकानदारों ने अपनी दुकान के आगे सोशल डिस्टेंसिंग के गोले बनाए हुए हैं, और सभी आने जाने वाले लोगों को जो भी दुकान पर आ रहे हैं उनको नियम सोशल डिस्टेंसिंग के सिखा रहे हैं और उनसे गुजारिश कर रहे हैं कि जो भी कोई दुकान पर आए सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखे, पूरी तरह से मास्क पहने और सैनिटाइज़र अपने साथ रखे, और दुकानदार भी उनको सैनिटाइज कर रहे हैं और लगातार प्रशासन का साथ दे रहे हैं कोरोना को नियंत्रण में लाने के लिए। मगर कहीं ना कहीं दुकानदारों को और मार्केट एसोसिएशन को डर है कि कहीं उनकी थोड़ी सी चूक से मार्केट पर कोई असर ना पड़े, कहीं मार्केट को बंद करने का निर्णय ना लेना पड़े या सरकार उनके ऊपर कोई एक्शन ना कर दे, जिसके लिए वे लगातार सावधानी बरत रहे हैं और बाकी लोगों को भी यह चीज़ें सिखा रहे हैं। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अशोक रंधावा है, मैं सरोजनी नगर मिनी मार्केट ट्रेडर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। अभी पिछले कई दिनों कई मार्केट बंद हुई क्योंकि वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग नहीं थी, लोगों के मुंह पर मास्क नहीं था, तो आप किस तरीके सावधानी बरत रहे हैं, क्या सब आपने दुकानदारों से बात करी है, क्या हल निकला है, क्या देख रहे हैं? देखिए, हमने अपने हर दुकानदार को सर्कुलर के थ्रू और फ़ोन के थ्रू, मैसेज के थ्रू सबको ये बोल रखा है कि दुकानों में जो लड़के काम कर रहे हैं उनको मास्क हमेशा पहनना चाहिए, एक लड़का सैनिटाइज़र लेके रखे, जो कस्टमर दुकान के अंदर आ रहा है उसको सैनिटाइज किया जाए, प्लस सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है हमारे यहाँ बिल्कुल तरीके से हो रहेगा। दुकानदार को हिदायत है, अगर उसने कोई उसमें चूक करी और उसका कोई ये SDM की तरफ से या दिल्ली सरकार की तरफ से कोई एक्शन होता है तो वो खुद जिम्मेवार, उसमें एसोसिएशन कुछ नहीं करेगी। जिसका असर हम लोगों को देखने को मिला है, हर दुकानदार चौकस है, और ये भी हमने साथ साथ कहेगा कि दुकान में काम करने वाले लड़कों को अगर वैक्सीनेशन भी करा दिया जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि दुकानदार जो दुकानों का मालिक है उनमें मैक्सिमम वैक्सीनेशन हो चुका हैगा, टीके उन्हें लग चुके होंगे, और अगर सब लोगों को भी लग जाता है तो इससे मेरा ख्याल एक खतरा जो हैगा वो कोरोना का कम होगा। लेकिन कहीं ना कहीं डर है कभी मार्केट पे कोई असर ना पड़ जाए, बंद ना हो। नहीं, डर तो सभी को हैगा जी, क्यों नहीं है, हमारी कई मार्केटें दिल्ली की बंद हुई हैगी, लाजपत नगर हुई, करोल बाग में भी सुना है कुछ हुआ है, मदनगिर में दुकानें बंद हुई, सबसे पहले वो बंद हुई थी मेरा ख्याल गांधीनगर वाली है, वहाँ पे भी असर पड़ा। हम लोगों को भी डर है, और खाली मार्केट बंद होने का डर नहीं, कोरोना का भी डर है हम लोगों को, क्योंकि हम लोग भी इंसान हैं, पर चूंकि हम लोग पिछले साल भी कोरोना के चक्कर में थोड़ा वो रहे थे, आज की डेट में भी अभी कोरोना के बाद एक 1.5 महीने के बाद दुकानें खुली हैं, काम धाम बिल्कुल भी नहीं है, कस्टमर आ भी नहीं रहा है। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि इतनी गर्मी के अंदर जो दुकानों का टाइम 10 से 8 बजे तक रखा है दिल्ली गवर्नमेंट ने, उसको बढ़ा के 11 से 9 तक करें, क्योंकि गर्मी की वजह से और ऑफिस छूटने की वजह से कस्टमर जो है शाम को निकल रहा है, यहाँ पे 8 बजे पुलिस का डंडा शुरू हो जाता है कि दुकानें बंद करें, उनका कहना भी ठीक है क्योंकि ऑर्डर ऐसे हुए हैं, पर अगर सरकार सुबह 10 की जगह 11 से 9 बजे तक करती है तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। दुकानों के आगे सबके आगे वो गोल सर्कल बने हुए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के, 2-3 कस्टमर से ज़्यादा हम लोग दुकानों में नहीं घुसने देते हैंगे, और बाकी जो सरकार की तरफ से COVID-19 का जो वो हैगा वो सारी चीज़ें हम लोग उसको फुलफिल कर रहे हैं। आपका नाम? बंसीलाल ड्रोवर। किस तरीके से सुरक्षा रख रहे हैं आप, कोविड गाइडलाइंस को मान रहे हैं, जो भी कस्टमर दुकान में आ रहे हैं क्या प्रतिक्रिया? सबसे पहले जो कस्टमर आके शर्ट मांगता है या कोई भी चीज़ मांगता है तो हम उसको कहते हैं पहले अपना आप हाथ सैनिटाइज करें, उसके बाद पीस को उठाएं, हो सकता है वो कहाँ से हाथ लगा के आए, क्या है उस पीस को कस्टमर हाथ लगाएगा, फिर वो दूसरा कस्टमर उसी पीस को हाथ लगाएगा, तो वह ज़रूरी है कि हम उसका हाथ पहले सैनिटाइज करवाएं, उसके बाद उसको वो कस्टमर ले या ना ले, पर सबसे पहला हमारा कर्तव्य है। दूसरी बात, कई बार कस्टमर नाराज़ भी हो जाता है, हम कहते हैं
कि सर आप 5 मिनट वेट कर लें, ये कस्टमर ले लेगा, तब आके खड़े होना। अगर 2 या 3 लोग हैं तो चौथे आदमी को हम खड़े नहीं होने देते। जैसे पिछले दिनों कई मार्केट बंद हुई तो कहीं ना कहीं डर है कि इस तरह यहाँ पे भी कुछ हो सकता है, उसके लिए कुछ अपना रहे हैं? स्वाभाविक अगर डर तो है ही, और सबसे ज़्यादा इस मार्केट की वो फोटोज वगैरह आती हैं, इस मार्केट को हाईलाइट है ये मार्केट तो। लेकिन सारा दिन हम खुद घूमते हैं और लोगों को कहते हैं आप अपना मास्क ऊपर करें, कईयों को समझाते हैं 2000 रुपये जुर्माना देना या मास्क ठीक से लगाएंगे। लोगों को थोड़ा हम भी ये समझाते हैं, डर पैदा करते हैं कि जी आगे वो सारी टीम खड़ी है, आपका अगर फोटो ले लिया आप किसी भी तरीके से छूट नहीं पाएंगे 2000 रुपये का, और चलान कट रहे हैं लोगों के, कुछ दुकानदारों के, हमने खुद भी अपने साथियों के हमने चलान कटवाए हैं जो बार बार ऐसे मास्क कर देते हैं, ऐसे मास्क कर देते हैं। तो हमने खुद अपनी टीम को जो है सिविल डिफेंस वाले उनको बुला के चलान कटवाए हैं, पूरा ध्यान रख रहे हैं, कोरोना से भी बचना है, व्यापार को भी देखना है, लेकिन जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको हम जरूर फॉलो करेंगे।